हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ऑर्डर 11 का सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं जो कि बेस है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन पे। उसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें हम रूल 12, 13 और 14 को स्टडी करेंगे। तो जैसे हमारा पैटर्न है स्टडी करने का, पहले हम उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर जो हमारे बेरेक में रूल्स में लिखा हुआ है हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में पढ़ते हैं नेचर एंड स्कोप। देखिए, नेचर एंड स्कोप में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात हमें देखनी है कि डिस्कवरी दो तरीके से होती है, डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज एंड डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स या डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने कल क्लास में पढ़ लिया था कि कैसे होता है। अब क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, तो डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे होता है उसको हम अभी समझेंगे। देखिए, जब भी एडवर्स पार्टी, एडवर्स पार्टी का मतलब देखो, प्लेंटिफ के लिए एडवर्स कौन है? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के लिए एडवर्स कौन है? प्लेंटिफ। तो दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी चाहें तो, क्या चाहें तो, दोनों में से कोई भी पार्टी चाहें तो वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए अब दूसरी पार्टी को कंपेल कर सकती हैं। सी फॉर इंस्टेंस, अगर मैं प्लेंटिफ हूँ और मेरे सामने दूसरा पर्सन जो डिफेंडेंट है उससे मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं एप्लीकेशन लगा सकती हूँ डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। इसी तरीके से अगर सामने वाले डिफेंडेंट को मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है। सिंपल ये बात करें। और अगर कोर्ट इशू कर देती है ऑर्डर कि जैसे अगर मेरे खिलाफ किसी व्यक्ति ने कहा कि डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कीजिए और अगर कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया है तो मुझे जाना पड़ेगा डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट पर डालने पड़ेंगे, और अगर मैं नहीं डालती हूँ तो रूल 21 में मुझे पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी। ठीक है, सिंपल ये बात आ गई। अब डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? देखो, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन में हम पढ़ते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कुछ भी रिटन मटेरियल, चाहे वो किसी इंस्क्रिप्शन पे लिखा हो, चाहे वो कैरिकेचर भी हो, कुछ भी हो, सब डॉक्यूमेंट में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एनीथिंग, यहाँ पर भी जो कि लिखित है या फिर प्रिंटेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस मटेरियल पर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको प्रिंट किया गया है या नहीं किया गया है। ये ML सेठी वर्सेस RP कपूर 1972 के केस में भी हेल्ड हुआ था। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि क्या करता है, प्रकाश डालता है केस पर प्रकाश डालता है, जो कि डॉक्यूमेंट रेलिवेंट होता है डिस्प्यूट में, मतलब जिस मुद्दे पे प्रोसीडिंग्स में हम आपस में लड़ रहे हैं, तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे केस पे प्रकाश डालता होगा उससे रिलेटेड बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें इसकी डिस्कवरी करनी है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो भाई हमें पता है कि ये मान लो कि भाई वो केस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर कोई ऐसा है कि हाँ हम उसको एविडेंस में एडमिसिबल कर सकते हैं किसी तरीके से। हम देखो, अभी सिंपल सी बात है, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में चाहिए तो इंडियन एविडेंस एक्ट में हमारे पास सेक्शन 5 से लेके 55 हमें बताते हैं रेलिवेंसी की, जहाँ सेक्शन 5 रेलिवेंसी को डिफाइन करता है, 6 से लेके 55 तक बताते हैं कि रेलिवेंट फैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट हमें ये बता देता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो एडमिसिबल ना हो एविडेंस में, लेकिन फिर भी पार्टी चाहती है उसको देखना। कि क्यों चाहती है? क्योंकि हो सकता है उस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो सामने वाली पार्टी का केस को जो है ख़राब कर दे, ख़त्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो भले ही वो एविडेंस में ना लेके आए, उसकी रेलिवेंसी ना बैठे केस में, तो भी ये हो सकता है, तो भी उसको एडमिसिबल मान सकते हैं अगर किसी तरीके से वो केस पे फ़र्क डालती है। ये बात हमें देखना है। फिर आता है, और इट कैन बी सेड द डॉक्यूमेंट माइट बी इनएडमिसिबल। डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल हो सकता है एविडेंस में, लेकिन मैंने अभी आपको बताया डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इस तरीके से प्रकाश डालेगा कि वो डैमेज कर सकता है एडवर्स पार्टी के केस को, ये मैंने आपको बता दिया है ना। तो यही वाली बात यहाँ लिखी हुई है। एक केस लो देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज शिवम उद्योग 1995 का केस। यहाँ ये कहा गया था कि अगर डॉक्यूमेंट इररिलेवेंट है, समझिएगा क्या कहा गया था, कि अगर डॉक्यूमेंट इररिलेवेंट है या इमटेरियल है, किससे रिलेटेड है, हमारे केस से रिलेटेड। हमें अच्छे से पता है रेलिवेंसी का क्या मतलब होता है, कनेक्टेड। रेलिवेंसी का मतलब होता है कनेक्टेड। तो अगर हमारे केस से अगर कोई फैक्ट रिलेटेड नहीं है, मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो तब क्या हम उस डॉक्यूमेंट को लेंगे कि नहीं लेंगे? कह रहे हैं ले सकते हैं। किस लिए ले सकते हैं?
टू डिले द प्रोसीडिंग द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। समझ में आया? अगर एक हमने अभी पीछे बात की थी, अभी पीछे वाली स्लाइड पे हमने ये पढ़ा था कि इन केस एक व्यक्ति का डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल है, एविडेंस में उसे नहीं ला सकते, लेकिन अगर वो डिस्ट्रॉय करता है एडवर्स पार्टी की केस को तो ला सकते हैं। लेकिन इस केस में ये कहा गया कि अगर वो इनएडमिसिबल है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कोर्ट में लाने की, लेकिन फिर भी इसलिए पार्टी ला रही है कि डिले कर दे प्रोसीडिंग को, तो ये चीज़ अलाउ नहीं करनी है। अब आप समझिए दोनों के अंतर को, दोनों बातों के अंतर को आप समझिए। अगर आपके से फॉर इंस्टेंस एक प्लेंटिफ है, ठीक है, ए व्यक्ति है, वो बी व्यक्ति से ऐसे डॉक्यूमेंट को डिस्कवरी करना चाहता है जो कि हम कह सकते हैं कि भाई ये जो बी है इसका और हमारे भी जो केस चल रहा है उसमें कुछ रेलिवेंसी नहीं, लेकिन ऐसी बात उस बात से पता चल जाएगी जिससे केस है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। नंबर वन हमें ये बात समझ में आ गई, ठीक है, गॉट इट। नंबर टू हमें ये बात यहाँ समझ में आ रही है कि हमारा इरादा बोनाफाइड नहीं है। जहाँ पर गुड फेथ बोनाफाइड वर्ड आ गए, समझो हर एक तरीके से हमें एडवांटेज मिल जाता है उस व्यक्ति को, अगर कोई भी काम ऐसा करता है जो कि नहीं करना चाहिए, वो बोनाफाइड इंटेंशन से हुआ, गुड फेथ में हुआ, तो बचाव हो जाता है ना। तो भाई इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जहाँ पे व्यक्ति को ये लगा, क्या लगा कि भाई अगर मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ इससे इसका केस ख़राब हो जाएगा, इससे इसकी जो केस का जो सब जो ये फैक्ट्स लेने आया लेकर के आया वो कितनी रिलेवेंट फैक्ट ले आए, लेकिन मेरी बात कहने से इसका केस ख़राब हो सकता है, तो वो भले ही यहाँ पर रिलेवेंट ना हो वो लेकर के आ सकता है। नंबर टू, लेकिन अगर खुद का इंटेंशन ही गलत है, डिले करना है प्रोसीडिंग को इसलिए लेके आ रहा है, तो इस केस में ये कहा गया कि वो अलाउड नहीं किया जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट को समझेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, सिक्योर करना। क्या सिक्योर करना? जहाँ तक पॉसिबल हो जाए मटेरियल डॉक्यूमेंट जो कि अपोजिट पार्टी के पास हैं, उस अपोजिट पार्टी से मटेरियल डॉक्यूमेंट के डिस्क्लोज़र को लेकर के आया जाए। बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहे हैं, अपोजिट पार्टी के पास जो डॉक्यूमेंट हैं, चाहे उसकी पोजेशन में है चाहे उसकी पावर में है। अब दो बातों में अंतर देखिए, पोजेशन और पावर में क्या मतलब होता है। पोजेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ है, वो डॉक्यूमेंट है मेरे पास रखा हुआ है, नंबर वन समझ में आ गया। नंबर टू पावर, वो भले ही मेरे पास नहीं रखा, किसी और के पास रखा है, लेकिन मेरे पास पावर है कि मैं उससे लाके कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो ये दैट इज़ पॉसिबल। तो पोजेशन भी हो सकती है या फिर पावर में भी हो सकता है, अपोजिट पार्टी के पास है, अंडर सेंक्शन ऑफ पेनल्टीज अटैच टू अ फॉल्स ओथ। यहाँ हमें देखना है कि अगर कोई व्यक्ति गलत शपथ लेता है, गलत एफिडेविट लेता है, गलत डॉक्यूमेंट लेता है, तो फिर उसे जो है इस चीज़ का हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, टू सिक्योर एज फार एज पॉसिबल द डिस्क्लोजर ऑन ओथ ऑफ ऑल मटीरियल डॉक्यूमेंट्स इन पोजेशन और पावर ऑफ द अपोजिट पार्टी अंडर सेंक्शन ऑफ पेनल्टीज अटैच्ड ऑफ अ फॉल्स ओथ। नंबर टू क्या कह रहे हैं, एंड करना। क्या एंड करना? इंक्वायरीज को एंड करना, टू पुट एन एंड टू व्हाट माइट अदरवाइज लीड टू प्रोट्रैक्टेड इंक्वायरी एज टू द मटेरियल डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली इन पोजेशन और पावर ऑफ द अपोजिट पार्टी। तो जो प्रोट्रैक्टेड इंक्वायरी हैं जो लीड कर सकती हैं, प्रोट्रैक्टेड इंक्वायरीज हैं जो वहाँ की तरफ हम जा सकते हैं, उन प्रोट्रैक्टेड इंक्वायरीज को ख़त्म करना यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर आता है इसका मतलब, ये जो प्रोसीजर हुआ इसका मतलब होता है एडमिशन करवाना, ठीक है, एडमिशन करवाना, भाई डॉक्यूमेंट्स ले आए तो उसका मतलब एडमिशन कराना हो गया। नेसेसिटी ऑफ द लीडिंग लेंथी एविडेंस, कि ज़बरदस्ती के लंबे लंबे एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रायल को डिले करने की ज़रूरत नहीं, अभी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देंगे, पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति ने क्या, इसका केस है किस बिना पे हमारे पास, हमारे अगेंस्ट केस लेके आया है। तो जो लीडिंग, हाँ, जो मतलब कोई भी फैक्ट लेके आएंगे, जो भी फैक्ट लेते हैं और वो लीड करता है, किस तरफ लीड करता है, लेंथी एविडेंस को, तो उसको ख़त्म करने के लिए पहले से ही डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के प्रोविज़न दिया गया। अब समझ में आ गया, लेंथी एविडेंस को हम अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ट्रायल ऑफ सूट्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं ताकि कोर्ट जो है जस्टिस को ढंग से दे सके, एडमिनिस्टर कर सके। तो इसीलिए यही बात राज नारायण वर्सेज इंदिरा गांधी, बहुत फेमस केस, 1972 में भी कहा गया था कि ऑर्डर 11 डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ये ऑब्जेक्ट है। तो कौन डिस्कवरी कर सकता है ये आपको अच्छे से पता है, कोई भी पार्टी टू द सूट, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे वो डिफेंडेंट हो,
अंडर ओथ। अंडर ओथ का मतलब क्या है? एफिडेविट पे या फिर और किसी तरीके से अप्लाई कर सकती है कोर्ट को कि डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स करने हैं मुझे किससे, दूसरी पार्टी से। और अगर कोर्ट बनाती है ऑर्डर, क्या ऑर्डर बनाती है कि हाँ जी डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे दूसरी पार्टी से, तो डिस्कवरी जो एडवर्स पार्टी होती है वो एफिडेविट पे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करती है जो उसकी पोजेशन में या पावर में होते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर आता है अगेंस्ट होम। तो अगेंस्ट होम क्या, दोनों में से किसी के अगेंस्ट भी आ सकता है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स की पोजेशन या पावर है उसके अगेंस्ट आ सकता है। हाँ, लेकिन एक सूट अगर इंस्टीट्यूट किया जाता है, ध्यान रखना, एक अगर सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है नॉमिनल प्लेंटिफ, के द्वारा, जैसे कि बेनामीदार के द्वारा। बेनामीदार का मतलब तो हम जानते हैं ना, ये हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं, ऑस्टेंसिबल ओनर, है ना, जहाँ पर कि भाई नाम में प्रॉपर्टी किसी की होती है और ओनर, एक्चुअल ओनर कौन होता है। तो कहने कि जब सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है नॉमिनल प्लेंटिफ के द्वारा, जैसे कि बेनामी द्वार के द्वारा। नॉमिनल का मतलब क्या हुआ, नाम का प्लेंटिफ है, ठीक है, तो नाम का प्लेंटिफ है, नॉमिनल पार्टनर होता है, नाम का प्लेंटिफ है, तो बेनामी दार जैसे कि, तो पर्सन और पर्सन एक्चुअली इंटरेस्टेड में बी ऑर्डर टू गिव डिस्कवरी, हैंस द पार्टीज नीड टू बी रिलेटेड टू द सूट। इसका मतलब है कि भाई पार्टी चूक है वो, उसको जरूरी नहीं कि वो सूट से रिलेटेड, भाई क्या हम कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि वो सूट से रिलेटेड हो, ये बात गलत होगी। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है, कि जो पार्टी है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, सूट से रिलेटेड होनी चाहिए। तो भाई बेनामीदार है वो सूट से रिलेटेड है, तो वो भी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करा सकता है, मतलब उसके भी अगेंस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो सकता है। फिर कंडीशंस क्या है, दो कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है। पहले, डिस्कवरी ऑर्डर्ड इज नेसेसरी फॉर द फेयर डिस्पोजल ऑफ द सूट, तो दूसरा, डिस्कवरी विल सेव द गोस्ट। अगर ये दोनों बातें जरूरी हैं, दोनों बातें अगर हमें पूरी हो जाती हैं, क्या कि डिस्कवरी करना ज़रूरी है फेयर डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए, और दूसरा, डिस्कवरी करने से हमारी कॉस्ट बच जाएगी, तो भाई डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलाउ कर दिया जाएगा। अब आता है ऑब्जेक्शन, क्या ऑब्जेक्शन होगा, हाँ जी, तो जिसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, जिसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, तो वो पार्टी ऑब्जेक्शन लेके आ सकती है कि भाई मुझे जो है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करने, क्योंकि मेरे पास प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स है, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि मेरे पास, मुझे प्रिविलेज मिली हुई है, वही इंडियन एविडेंस एक्ट के हमारी कल वाली बात कि भाई ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, मैं आपको प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब भी एक व्यक्ति प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बेस पे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट प्रिविलेज्ड है, मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, तो वहाँ पर देखना, उसको एक एफिडेविट जो है वो फाइल करना पड़ेगा। लेकिन एक एफिडेविट फाइल करने से उसका काम नहीं हो जाता है, उसको प्रॉपर रीजनिंग भी देनी पड़ती है, तर्क भी देना पड़ता है कि मैं क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इसको डॉक्यूमेंट को लेकर के नहीं आऊँगा। यहाँ पर फिर जब प्रॉपर रीजनिंग कोर्ट पार्टी ने दे दी, मतलब अगर मुझसे किसी ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा और मैं कहूँ जी तो प्रिविलेज्ड है, मैं नहीं लेके आऊँगी, कोई भी बात कह सकती हूँ, मैं कह दूँ 123 के अंदर है, 123 एविडेंस एक्ट के अंदर, मतलब कि ये स्टेट अफेयर्स है, अनपब्लिश्ड है, मैं आपको नहीं दिखा सकती, ठीक है, मैं ऐसे बोल दूँ। अब मेरा सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं है, आई हैव टू गिव प्रॉपर रीज़न, मुझे प्रॉपर रीजंस देने होंगे, मतलब पूरे कारण देने होंगे, पूरी तर्क देने पड़ेंगे कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि भाई ये मैं नहीं ला सकती, ये 123 का प्रिविलेज है। फिर यहाँ पर कोर्ट का रोल शुरू होगा, कोर्ट ये देखेंगे क्या वास्तव में ये बात ठीक है कि नहीं है। तो कोर्ट के यहाँ पर देखो, जब 123 अगर आप एविडेंस एक्ट ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पर यही बात है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन में यही होता है कि भाई अगर आप अनपब्लिश्ड जो ऑफिशियल होती है कम्युनिकेशन होती है उसको आप पब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एक्सेप्शन के तौर पर कहा है, अगर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कह देता है, अलाउ कर देता है कि ठीक है चलो फिर आप कर लो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे केसों में डिसाइड हुआ है, कई सारी बातें आई हैं से निकल करके, तो फिर एट द एंड कोर्ट का डिस्क्रिप्शन भी मायने रखता है कि भाई कोर्ट जो है डिसाइड करेंगी कि एक्चुअल में हाँ ये जो व्यक्ति तर्क दे रहा है क्या ये उचित है कि नहीं उचित है। दूसरा ऑब्जेक्शन जो कि फाइल कर सकता है, वो कह सकता है कि भाई जिस स्टेज पे आप मुझसे मांग रहे हो, से फॉर इंस्टेंस अभी ट्रायल शुरू हुआ है, तो अभी यहाँ पर हमने अभी ट्रायल शुरू हुआ है, रिटर्न स्टेटमेंट मैंने दिया है, अब यहीं पर व्यक्ति ने डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना लिया, अब इशू फ्रेम नहीं हुए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, अभी हम पढ़ के आए थे इशू फ्रेम करने के बाद डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है। लेकिन इनकेस मान लो चलो उसने इशू फ्रेम करने से पहले डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर दिए, जैसे उसने रिटर्न स्टेटमेंट डाला वैसे उसने डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिया, तो यहाँ पर
कह सकते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो ये तर्क दे दे कि भाई यहाँ पर समझिए आप बात को कि यहाँ पर इस स्टेज पर अभी अलाउड नहीं है, इस स्टेज पर आप प्लीज़ हम नहीं जो है मुझे पूछ सकते कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, ये ऑब्जेक्शन वो लेकर के आ सकता है। अब आता है एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट जो कि पूछे जाते हैं डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। हमेशा समझिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कहे जाते हैं डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंडर, जो भी डॉक्यूमेंट्स बोले जाते हैं कि प्रोड्यूस कीजिए, मैंने अभी आपको बताया ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा एडमिसिबल हो एविडेंस में, ठीक है, मे बी एडमिसिबल और नॉट बी, मे बी एडमिसिबल इन द केस इफ दे आर रिलिवेंट टू द केस एंड विच वी हैव सम इम्पैक्ट ऑन द मैटर इन इशू। अगर मैटर से रिलेटेड है तो वो एडमिसिबल हो जाएंगे, लेकिन अगर मैटर से रिलेटेड नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है। एडमिसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? एडमिसिबिलिटी का मतलब जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड बात होगी उसको तो हम एडमिट करेंगे। बिल्कुल वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, भाई अब मेरी बात सुनो, एक व्यक्ति ने चोरी की, ठीक है, एक व्यक्ति ने चोरी की, चोरी कहने करने से पहले उसने क्या खाया था, हमें क्या लेना देना इस बात से। तो एडमिसिबिलिटी का मतलब जो हमारे मैटर से रिलेटेड है हम उसको ही एडमिट करेंगे, जो रिलेटेड नहीं है उसको नहीं। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट जो हमारे मैटर इन इशू से रिलेटेड है, जो रिलेवेंट है, रिलेवेंट मतलब कनेक्टेड, तो जो कनेक्टेड है उसको हम एडमिसिबल करेंगे, जो नहीं है उसको हम नहीं लेंगे। अब हमें अच्छे से पता है ये बात कि एडमिसिबिलिटी रेलिवेंसी ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं ना, तो भाई हो सकता है बहुत सारे फैक्ट रेलिवेंट हो लेकिन हम सारे फैक्ट को रेलिवेंट, जो रेलिवेंट फैक्ट है क्या उन सबको एडमिसिबल कर लेते हैं, क्या उन सब फैक्ट को हम एडमिट कर लेते हैं, यही तो सारा एविडेंस एक्ट इसी चीज़ पे तो टिका हुआ है। भाई एडमिस जो हमने किया है फैक्ट को वो रेलिवेंट होने तो ज़रूरी हैं तभी हम उन्हें एडमिट करेंगे, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि सारे फैक्ट जो रेलिवेंट है उन्हें हम एडमिट नहीं करते हैं ना। बिल्कुल इस तरीके से डिस्क्लोजिंग डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजिंग एविडेंस। तो अब यहाँ देखो जो डॉक्यूमेंट जो कि रिलेटेड है एविडेंस से एडवर्स पार्टी के उनको कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, कल भी हमने पढ़ा था फैक्टा प्रोबांडा और फैक्टा प्रोबांशिया। तो व्यक्ति किस एविडेंस के थ्रू अपना केस प्रूव करेगा वो एविडेंस के लिए आप इंटरोगेटरीज नहीं भेज सकते, वो एविडेंस के लिए आप डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं कह सकते। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर है कि डॉक्यूमेंट जो कि उसके एविडेंस से रिलेटेड है आप कोर्ट उसको नहीं बोल सकते कि हमें प्रोड्यूस करिए, और कोर्ट उनको ऑर्डर भी नहीं करेगी। तो क्योंकि ये जो अगर ऑर्डर कर दिए जाएंगे तो व्यक्ति का केस ही खत्म हो जाएगा, फिर तो केस का औचित्य क्या बचेगा। अगर उससे पूछो भाई बताओ कौन से किस किस के थ्रू आप अपना केस प्रूव करना चाह रहे हो, तो दैट इज़ नॉट द थिंग जो कि कोर्ट ऑर्डर करती है किस तरीके से आप अपना केस जो है वो करेंगे, प्रूफ करेंगे, ये नहीं पूछ सकते। एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया किस किस के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, एफिडेविट के थ्रू। कहाँ पर लिखा है? फॉर्म नंबर 5 में। फॉर्म नंबर 5 में जो भी तरीका बताया गया है, मतलब फॉर्म नंबर 5 के थ्रू जो है एफिडेविट दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को फाइल किया जाता है, ठीक है। अभी हम सब पढ़ेंगे फिर से। अब प्रिविलेज डॉक्यूमेंट क्या होता है? प्रिविलेज डॉक्यूमेंट हमें समझ में आ गया कि अच्छे से पता है क्राउन प्रिविलेज होती है। डॉक्ट्राइन किसके ऊपर बेस है? कि पब्लिक वेलफेयर इज़ द हाईएस्ट लॉ, ठीक है। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि जस्टिस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बट इट डजेंट मीन द जस्टिस शैल नॉट बी पैरामाउंट। हमें ये भी देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? न्याय इम्पोर्टेंट होता है। भाई एक तरफ तो हमने कह दिया कि स्टेट की को प्रिविलेज मिली है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा था? सिर्फ इतना कह देना, व्यक्ति ने इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठा दिया कि भाई ये तो प्रिविलेज है, तो यहाँ पर अब कोर्ट का डिस्क्रिशन चालू होता है, कोर्ट का विवेक चालू होता है। तो मैंने यही बात बताई, अगर कोई व्यक्ति सरकमस्टांसिस दिखाता है कि भाई ये प्रिविलेज है, तो वहां पर फिर जो कोर्ट है, फिर कोर्ट देखेंगे एक्चुअल में है या नहीं, कोर्ट की ड्यूटी है। ये अभी हम पढ़ के आए सब, है ना। फिर आता है ऑप्रेसिव डिस्कवरी। तो ऑप्रेसिव डिस्कवरी का क्या मतलब होता है? ऑप्रेसिव डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि भाई दो चीजें होती हैं। ऑप्रेसिव डिस्कवरी का मतलब होता है कि भाई ये बात हमें जबरदस्ती हमारे से ली जा रही है। ऑपरेशन का ना मतलब विरोध करना होता है। वाइल ऑर्डरिंग द डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट इट शैल नॉट बी एन ऑपरेसिव ऑर्डर बाय द कोर्ट। जबरदस्ती नहीं ली जानी चाहिए डिस्कवरी में। ऑल्सो बी रेसिस्टेड ऑन द ग्राउंड डेट इट इज़ अनड्यूली ऑपरेसिव। जबरदस्ती हमसे लिया जा रहा है। द कोर्ट वाइल यूजिंग इज डिस्क्रिप्शन पावर शैल कंसिडर टू क्वेश्चन। सबसे पहला कि ये इंपॉर्टेंट है ये डिस्कवरी करना, whether it is impossible for the administrative party to give the documents ordered under discovery,
पहली बात तो समझना है कि क्या ये इम्पोर्टेंट है जिसका ऑर्डर दिया जा रहा है। दूसरी बात ये समझना है कि क्या जो जिस पार्टी से हम डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उसके लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाए, तो उसका मतलब ज़बरदस्ती लेके आ रहे हैं ना। तो दस वेदर द डिस्कवरी इज़ ऑप्रेसिव और नॉट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस, क्योंकि भाई सर्कमस्टांसिस में उसके लिए पॉसिबल है या नहीं, दैट वी हैव टू टेक केयर। अब नॉन कम्प्लायंस इफेक्ट का मतलब अगर कोई जो ऑर्डर दिया गया कोर्ट ने कहा डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाए और व्यक्ति जो होता है उसको नहीं पूरा करता, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, तो क्या होता है उसमें भाई उसके अगेंस्ट एक नोशन आ जाता है, मतलब कोर्ट एक चीज़ प्रिज्यूम कर लेंगी कि अगर मतलब ये व्यक्ति प्रोड्यूस नहीं कर रहा डॉक्यूमेंट तो इसका मतलब इसके अगेंस्ट केस जाएगा, इसलिए ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो अगर प्लेंटिव है वो जो प्लेंटिव को कहा गया और वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो जो उसका सूट है उसका केस है डिसमिस कर दिया जाएगा और उसको मनाया किया जाएगा कि अब वो फ्रेश सूट इस बेस पे इसी पे इसी कॉज ऑफ एक्शन पे ना लेके आए। इसको बहुत ध्यान से समझना, अगर प्लेंटिव को कहा गया डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा गया लेकिन अगर वो नहीं लाता तो कोर्ट ने क्या समझा, कोर्ट ने पहली बात ये समझी कि भाई इसका मतलब ये केस इसके अगेंस्ट जाएगा अगर ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो कोर्ट फिर वहीं पर जो है सूट को ख़त्म कर देंगे और उसी कॉज ऑफ एक्शन पे वो दोबारा सूट को फ्रेश सूट को नहीं लाएगा। और अगर डिफेंडेंट है तो उसके डिफेंस को स्ट्रक ऑफ कर देंगे। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इब्राहिमुद्दीन 2012 का केस यही कहता है। रूल्स क्या है डिस्कवरी से रिलेटेड फटाफट पढ़ लेते हैं। तो रूल सबसे पहले यह है कि किसी भी पार्टी को, तो एनी पार्टी का मतलब प्लेंटिव या डिफेंडेंट, तो किसी भी पार्टी को एक ऑर्डर मिल सकता है कि कोर्ट से क्या ऑर्डर मिल सकता है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट और फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्डर दे या फिर ना दें। पावर जो है वो कोर्ट की हमें ध्यान रखना है कि जो जब ये कोर्ट पावर लगाते हैं कौन सी पावर, कि वो ऑर्डर देना चाहते हैं व्यक्ति को प्रोड्यूस करने के लिए या इसको रिफ्यूज़ करना चाहते हैं जो व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई है। तो जो पावर है कोर्ट की वो कभी भी इस्तेमाल हो सकती है, मतलब किसी भी स्टेज पर इस्तेमाल हो सकती है और कोर्ट खुद भी मंगा सकते हैं डॉक्यूमेंट या फिर जो पार्टी होती है जिसको चाहिए डॉक्यूमेंट डिस्कवरी करनी है वो भी एप्लीकेशन लगा करके कर सकते हैं। और हमें अच्छे से पता है कि रिफ्यूज़ भी कर सकती है कोर्ट या फिर अर्जन भी कर सकती है कि हाँ ठीक है हम फिर दोबारा मतलब किसी और डेट पर सुन लेंगे अगर उन्हें लगता है कि डिस्कवरी जो है वो नेसेसरी नहीं है इस पर्टिकुलर स्टेज पर। अगर कोर्ट को लगता है कि जैसे अगर उसने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट को लगता है कि भाई इस स्टेज पे ज़रूरी नहीं, तो एडजर्न कर देंगे, ठीक है थोड़े टाइम बाद हम आपकी इस बात पे ध्यान देंगे अभी नहीं है, ठीक है इस तरीके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या है, कोर्ट जो है ऑर्डर पास नहीं करेंगे डिस्कवरी इंस्पेक्शन या प्रोडक्शन के लिए जब तक रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट के द्वारा फाइल नहीं हो जाए। इसको बहुत ध्यान से समझना, अगर डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो कोर्ट कभी भी उसको डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं बोलेंगे। मतलब अगर प्लेंटिव ने कहा डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स करा दीजिए लेकिन उधर डिफेंडेंट ने अभी तक रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया तो कोर्ट ऑर्डर नहीं करेंगे डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। दूसरी तरह अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिव का प्लेन तो देख लिया पर अपना रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल नहीं करा और कहता है मुझे डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखा दो कि किस बेस पे ये केस लेके आया है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हमने देखनी है। फिर आता है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो समझिएगा, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट जो होते हैं अगर कोर्ट को लगता है कि ये फेयर डिस्पोजल ऑफ सूट पे नहीं लगाएगा या कोर्ट का टाइम इससे नहीं बचेगा तो कोर्ट तभी भी ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट यही है कि फेयर डिस्पोजल हो सूट का और कोर्ट की कॉस्ट बचे। एक पार्टी जिसके लिए डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ऑर्डर पास किया गया है वो डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करेगा अगर वो प्रोजेशन में है उस व्यक्ति के, जनरल रूल है, ठीक है। अगर पार्टीज अगर लीगल प्रोटेक्शन उन्हें मिली है बिकॉज ऑफ प्रिविलेज तो कोर्ट वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स उसके पास जो हैं वो एक्चुअल में प्रिविलेज हैं या फिर नहीं। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट का ऑर्डर जो है दिया गया डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड उसको पारित नहीं करते हैं, उसको पालन नहीं करते हैं, तो कोर्ट ये मान सकती है, एडवर्स इन्फरेंस निकाल सकती है, उसके खिलाफ ही सोच सकती है कि भाई बंदा के दिल में मन में झोल है, ठीक है। तो रूल 12 हमें क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो हम सब पढ़ के आए ना अभी तक बस वही लिखा हुआ है। मैं अगर रीड आउट भी करूँगी ना तब भी आप समझ जाएंगे जो हमने पढ़ा, देख लो मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है। यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, जस्ट ए मोमेंट, बस एक सेकेंड का मुझे समय दीजिए आप। हाँ,
यहाँ देखो एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की हमने जब बात की तो कोई भी पार्टी लिखा हुआ है, एनी पार्टी, एक एक चीज हम सब पढ़ चुके, विदाउट फाइलिंग एनी एफिडेविट, उसे एफिडेविट फाइल करने की ज़रूरत नहीं, अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग एनी अदर पार्टी, अप्लाई कर रही कोर्ट को कि डायरेक्शन दिया जाए क्या करने के लिए दूसरी पार्टी को, टू एनी सूट टू मेक डिस्कवरी ऑन ओथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अब जिसको डिस्कवरी के लिए कहा गया उसको एफिडेविट देना है, विच आर और हैव बीन इन पोजेशन ऑन पावर, जो उसके पोजेशन में पावर है, रिलेटिंग टू एनी मैटर इन क्वेश्चन देयर इन, तो रिलेटिंग टू मैटर इन क्वेश्चन होना चाहिए, ऑन द हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन द कोर्ट मे आइदर रिफ्यूज और एडजर्न द सेम, अभी पढ़ा एडजर्न कर सकती है जब कोर्ट को ये लगता है इस स्टेज पे पॉसिबल नहीं है, इफ सेटिस्फाइड दैट सच डिस्कवरी इज नॉट नेसेसरी और नॉट नेसेसरी एट द स्टेज ऑफ द सूट, इस क्या तो जरूरी नहीं है तो रिफ्यूज कर दिया और इस स्टेज पे नहीं है तो एडजर्न कर दिया, और मेक सच ऑर्डर आइदर जनरली और लिमिटेड टू सर्टेन क्लासेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मे इन इज डिस्क्रिशन बी थॉट फिट, जो उन्हें ठीक लगता है, जनरल ऑर्डर क्या है वो किस तरीके से करेंगे डॉक्यूमेंट के लिए बोलेंगे, ठीक है, जैसे उन्हें ठीक लगता हो, प्रोवाइजो दैट डिस्कवरी शैल नॉट बी ऑर्डर्ड व्हेन एंड सो फार एज द कोर्ट शैल बी ऑफ ओपिनियन देन इट इज नॉट नेसेसरी आइदर फॉर डिस्पोजिंग फेयरली ऑफ द सूट और फॉर सेविंग कॉस्ट, तो वो कभी भी ऑर्डर नहीं करेंगे अगर उन्हें लगता है कि भाई ये कॉस्ट बचाने के लिए नहीं है। अब आता है एफिडेविट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अभी हमने आपको बताया रूल 13 ये कहता है कि एफिडेविट टू बी मेड बाय अ पार्टी अगेंस्ट होम सच ऑर्डर इज मेड, जो पार्टी अप्लाई कर रही है कि मुझे एप्लीकेशन लेके जा रही है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए उसको नहीं करना, लेकिन जिस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं उसको एफिडेविट फाइल करना है, कैसे, फॉर्म नंबर 5 में, ये अभी हमने आपको बताया था। रूल 14 क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ये लॉफुल है कोर्ट के लिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट टू ऑर्डर द प्रोडक्शन बाय एनी पार्टी देयर टू अपॉन ओथ ऑफ सच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजेशन और पावर रिलेटिंग टू एनी मैटर इन क्वेश्चन इन सच सूट एज द कोर्ट शैल थिंक राइट एंड द कोर्ट मे डील विद सच डॉक्यूमेंट्स व्हेन प्रोड्यूस इन सच मैनर एज शैल अपीयर जस्ट, जो उसको ठीक लगते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये रूल 12, 13, 14 हो गया, जाने से पहले मेरी बात ज़रूर सुन के जाइएगा अनअकैडमी से रिलेटेड प्लीज़। हाँ जी, तो भाई अनअकैडमी से रिलेटेड मेरी बात ज़रूर सुन ला भाई, अगर आपको बंद करनी है वीडियो उससे पहले प्लीज़ बात सुन लेना, अभी तक फॉलो नहीं करा तो भाई फॉलो कर लो, अब जो है बड़े जल्दी एक नया आपके लिए कुछ लेकर के आने वाले हैं तो आप फटाफट से मुझे फॉलो कर लीजिए, और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के अब भाई 2 दिन बचे हैं, किस चीज़ के ऑफ़र से रिलेटेड, भाई ऑफ़र तो चलेगा बट प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो डिस्काउंट अवेल करना हो तो 10% ऑफ है, आपको अच्छे से पता है क्या क्या बेनिफिट हैं, भाई बेनिफिट बहुत सारे हैं, एक तो आपको लाइव कंफर्ट के थ्रू मतलब आपको लाइव सुनने को मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं सारे कोर्सेज पे, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा रहे हैं, एक्सॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होती है, कंप्लीट कवरेज होता है सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज आपकी होती है, स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में मिलता है और आपके आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। सिर्फ 1 दिन बचा है आपके पास इस ऑफर को अवेल करने के लिए कि 12th मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 1 महीना फ्री है, 18 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीना फ्री है और 24 के महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 3 महीना फ्री मिल रहा है। स्पेशल क्लासेस जो हर रोज़ चल रही हैं वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, स्पेशल है तो मतलब स्पेशल ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड ARCHNA 6 अक्षर का नाम वो लगाना है उनको अवेल करने के लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना हो, CPC पढ़ना हो, ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो आप अवेल कर सकते हैं कोड लगा करके ARCHNA और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कॉम्प्रहेंसिव जुडिशरी बैच जुलाई 2021 से स्टार्ट होने वाला है और इसमें आपको बहुत बेनिफिट होंगे क्योंकि आपके लैंग्वेज के कोर्सेज और साथ साथ आपकी लॉ से रिलेटेड, GK से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी क्वेरी यहाँ सॉल्व हो जाएगी, तो आपको कहीं और इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और प्राइस हाइक होने वाली है अभी 1 जुलाई से, उससे पहले पहले अपनी सीट जो है सिक्योर कर लो, अभी तो आपको जहाँ पर 24
महीने के लिए 46,000 रुपये खर्च करने हैं, फिर 4,000 बढ़ जाएंगे। आप सोचो 24 महीने मतलब एक साल में 12 महीने मतलब 24 मतलब 23,000 रुपये हमें एक साल में खर्च करने हैं, जो शायद हमारे एक मतलब बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है ये। तो आपको बहुत अच्छा ऑफ़र दे रहा है अनअकैडमी। आप उसके साथ साथ मॉक टेस्ट रोज़ होते हैं, सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक जितने भी मेजर एक्ट होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपकी जुडिशरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। ये प्राइसिंग प्लान है अलग अलग जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं, और मेरे नाम का कोड 6 अक्षर का नाम लगाने से आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स, एक्चुअली आर द बेनिफिट्स जिनको आप बोल सकते हो हैं हम अगर अनअकैडमी की तरफ जाते हैं। तो कैसे कोड लगाना है भाई, देखो इस तरीके से मोबाइल में आपको दिखता है गेट सब्सक्रिप्शन दिखता है, अलग अलग आपसे जो भी आपको प्लान अवेल करना है कर सकते हैं। और यहाँ नीचे इस तरीके से आपसे पूछा जाता है रेफरल कोड, तो आप रेफरल कोड में मेरा नाम लिख सकते हैं ARCHNA अगर आपको 10% का ऑफ लेना है। तो इतने सारे बेनिफिट के साथ में अनअकैडमी आपको जो है बहुत हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन में। आप आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। कोई क्वेरी हो टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, मुझसे पूछ लिख सकते हो। नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम के चैनल पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे ये जो आज हमने पढ़ा इसके। ठीक है, तो बाकी सारी वीडियोस भी देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।